फैबुलस तानिया है होमवर्क कर सकती हूँ मैं भी ठीक हूँ। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वंदे भारत से NGP पहुँची हूँ। अभी हम लोग पहुँच के जस्ट उतरे हैं स्टेशन पे, अभी टाइम हो रहा है 1:30, वी वर ऑन टाइम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के बाहर। हम लोगों का गाड़ी ऑलरेडी आगे से बुक किया हुआ था एक, मैं वो सारा डिटेल्स आप लोगों को बाहर जाके स्टेशन के बाहर जब गाड़ी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। सो द जर्नी वाज रियली नाइस। अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग टाइम ऑफ द जर्नी, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं स्टेशन के बाहर, फिर वहाँ से आप लोगों से। आपको स्टेशन में एस्केलेटर्स भी मिल जाएंगे और एस्केलेटर से आप ऊपर जो फ्लाई ओवर है या ओवर ब्रिज पर यहाँ पे आप जाके अपना एग्जिट भी कर सकते हैं और साथ में दूसरे प्लेटफॉर्म्स में अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी जाके उस प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो। तो द स्टेशन वॉज ओवरऑल क्लीन एंड यहाँ पे सारे फैसिलिटीज थे, सो द स्टेशन वॉज रियली नाइस एंड इट इज़ वन ऑफ द हब स्टेशन फॉर नॉर्थ बंगाल। तो अभी यहाँ पे हम लोग फिर उतर रहे थे, बाहर की तरफ जाते टाइम भी आपको यहाँ पे एस्केलेटर मिल जाएगा। तो हम लोग भी एस्केलेटर लेके बाहर आ गए थे और ये स्टेशन के बाहर अभी बहुत तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो यस, वी वर एट न्यू जलपाईगुड़ी। तो यहाँ पे अभी स्टेशन के बाहर हम लोग वेट कर रहे थे, अपने जो ड्राइवर भैया थे उनको कॉल कर रहे थे। हम लोगों ने पहले से कॉल करके बुकिंग करके रखा था, सो वी डिड नॉट हैव टू वेट फॉर एन हिम बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी देयर हाफ एन आवर आगे से। तो यहाँ पे ऐसे बीच में से रास्ते बने हुए हैं, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो आप स्टेशन से जैसे ही निकलोगे आपके लेफ्ट में एक ऐसा रास्ता आएगा, वहाँ से आकर आपको ये ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी कर सकते हो, स्नैक्स। तो यहाँ से अगर आप आओगे सीधा तो यहाँ पे आपको ये इनका पार्किंग एरिया मिल जाएगा। तो अगर आप पहले से कैब बुक किए हो, चाहे आप वहाँ पे आके स्पॉट पे भी कैब बुक करना चाह रहे हो, तो आपको इसी पे यहाँ पे आके ही आपको कैब बुक करना पड़ेगा। और ये जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे एक टॉयलेट भी था, सो दैट वॉज रियली नाइस फैसिलिटी थे। सो यस, अभी हम लोगों का यहाँ पे लगेज बोर्ड हो रहा था कैब में, तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी। हम लोगों ने एक इनोवा बुक किया था, सो दिस पार्किंग एरिया वॉज अ बिट कन्फ्यूजिंग। अगर आपके साथ ड्राइवर भैया नहीं हो तो आपको एक्चुअली गाड़ी लोकेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हमारे साथ जो भैया थे ही वॉज रियली कोऑपरेटिव। तो आप ऐसे अगर कॉन्टैक्ट से आगे से बुक कर सकते हो और नहीं तो आप वहाँ पे जाके ऑन स्पॉट भी बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फिर सब कोई बैठ गए थे गाड़ी में एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो तो आपको पता चल गया, कि वी हैव वोक्ड अ कार एंड वी आर गोइंग, बट कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को कैप्शन या टाइटल ऑफ द वीडियो से पता चल ही गया होगा। येस, वी आर गोइंग टू दार्जिलिंग एंड दार्जिलिंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ नॉस्टैल्जिक वाइब है इस पूरे जगह की। आप लोगों को वो सब देखने के लिए मेरे सारे रिलेटेड ब्लॉग्स आगे के देखने पड़ेंगे क्योंकि मैं बहुत एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो आप लोग साथ बने रहिए और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, ताकि आप लोगों के कमेंट से मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ कि मैं और ट्रैवल करूँ आप लोगों के साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। एंड यस, बात करते करते देखिए यहाँ पर वेदर क्या टर्न लिया है, एंड इट इज़ रेनिंग सो हैविली। और उसी के साथ हम लोग सबको ही एक्साइटेड हो गए थे बिकॉज वी वर एट दिस प्लेस एट दिस टाइम ये ही एन्जॉय करने के लिए। तो आप राइट साइड में जो देख रहे हो इट इज़ कम्प्लीटली ये पूरा स्ट्रेच ऑफ टी गार्डन्स है। एक्चुअली राइट साइड क्यों है, ये जो रास्ता है यहाँ पे लेफ्ट राइट आप कहीं भी जाओ आपको सिर्फ टी गार्डन ही दिखेंगे एंड टी गार्डन्स आर सो ग्रीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मानसून है, बहुत हैवी रेन्स हो रहे हैं, तो इफ देर इज़ नो पॉल्यूशन नथिंग एंड इट इज़ सो नीट एंड क्लीन, लग रहा है कोई ग्रीन कारपेट अच्छा हुआ है। तो आप लोग ये जर्नी एंजॉय करो, फिर मैं आप लोगों के साथ आगे डिटेल शेयर करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहे थे अराउंड 2:30 एंड वी हैड स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स दार्जिलिंग, सो इट विल टेक अस अराउंड अनदर 2-2.5 hours टू रीच दार्जिलिंग बाई रोड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और यहाँ पे ये जो अम्ब्रेला लेके जा रहे थे सामने, रेड अम्ब्रेला विद दिस ग्रीन बैकग्राउंड, आई डोंट नो दिस लुक सो पिक्चर्स्क्यू। सो आई होप आप लोग एंजॉय करो, आगे भी एंजॉय करो। फिर मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ स्टे करूँगी, मेरा क्या चार्जेस पड़े हैं, वो होटल बुकिंग कैसे की हूँ, सब कुछ। तो साथ बने रहिए ब्लॉग में। अराउंड 1 hour ट्रैवल करने के बाद हम लोगों ने ये
जो एक फर्स्ट स्टॉप लिया है और ये जो स्टॉप जहाँ पे लिए हैं इट इज़ रियली नाइस. तो बेसिकली ये स्टॉप हम लोग लिए हैं थोड़ा सा चाय वाय पी के एनर्जी गेन करने के लिए, बिकॉज इतने देर से बैठ के आ रहे हैं ट्रेन में तो थोड़ा सबको नींद भी आ रहा है, बिकॉज किसी का नींद नहीं हुआ था सही से रात को, बिकॉज इट वॉज़ अर्ली मॉर्निंग ट्रेन. तो हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़े चाय और स्नैक्स के लिए, और साथ में यहाँ पे जो मिनी गार्डन था और इसमें जो एक बटरफ्लाई आपको दिख रहा होगा दूर से ही, ये बटरफ्लाई वॉज एडिंग अ फ्लेवर टू दिस मिनी गार्डन हियर. सो यस, ये सब एंजॉय कर रही थी. और ये जगह का नाम है पंखिया वैली और इस रेस्टोरेंट का नाम है ताशी टाकी. तो यस, दिस हैड अ रियली नाइस वाइब हियर. यहाँ पे आउटडोर सिटिंग भी है और साथ में आप यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पेट एनिमल्स है एंड ये मिनी गार्डन है, तो ये ग्रीनरी एंड दिस कलरफुल नेचर अराउंड इज रियली नाइस. यहाँ पे जो ये बाहर ट्री दिख रहा था बड़ा सा, उसका रूट्स जो हैंग हो रहा है, इट इज़ ब्यूटिफुल लोकेशन. आप यहाँ पे रुक सकते हो और आपको आते ही एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग वाइब मिल जाएगा इसी जगह से. सो अभी चलिए अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या ऑर्डर कर रहे हैं सब कोई. सो यहाँ पे आपको हैंड वॉश का भी ऑप्शन है एंड देन यू कैन जस्ट ऑर्डर सम स्नैक्स या मैगी बिस्किट चिप्स, ये सब तो है ही. साथ में अगर आप चाहो तो प्रॉपर लंच के लिए मील के मील सिस्टम में राइस एंड ऑल बहुत कुछ मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैंने एक मेनू का शॉर्ट लाइक क्लिप दिया है, आप चेक कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे पॉज करके. इट इज़ वेरी रीजनेबल, इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, सो इट इज़ रियली गुड टू गो स्टॉप. यहाँ पे आप खा सकते हो. सो यहाँ पे अंदर में भी ऐसे बैठने की जगह है. यहाँ पे किचन है इनका, ये किचन ओपन है, सो इट इज़ रियली नाइस. यू कैन एक्चुअली वॉक इनटू द किचन एंड वी सी कि कैसे क्या हो रहा है. हम लोग दोपहर के टाइम आए थे, लंच टाइम क्रॉस हो चुका था, सो भीड़ थोड़ा कम था. एंड इसको देखिए, ये भी इसी मौसम और सुकून का एकदम मज़े ले रहा है, तो मैंने उसको जाके डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी. चलिए मेरा कॉफ़ी आ गया, मैं यहाँ पे जाती हूँ. तो यहाँ पे कॉफ़ी बिस्किट्स भी हम लोग लिए थे, ऐसे मम्मी लोगों ने भी चाय वाय लिया था, सो वी वर रियली एंजॉयिंग चाय. तो यहाँ पे हम लोग फिर मोमो ऑर्डर किए थे, चिकन मोमो. और इनका ये जो एक स्पेशल चटनी होता है जो आपको सिर्फ पहाड़ों में ही मिलता है, तो ये चलिए एंजॉय करते फिर मिलते हैं आगे. तो यहाँ हम लोगों ने अपना स्नैक्स और चाय के साथ पेट भर लिया था, पेट पूजा हो गया था. नाउ वी वर एक्साइटेड टू रीच दार्जिलिंग एज सून एज पॉसिबल एंड वी वर एक्चुअली मोर एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे जो वेदर चेंज हुआ, हम लोग जब एनजेपी में थे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा धूप एंड टेम्परेचर वॉज ऑब्वियसली अराउंड 36-38. सो वहाँ से जब ऊपर आए, थोड़ा सा ही ऊपर आए थे, वी वर नॉट हाई इन द माउंटेन, बट येस ज़्यादा हाइट में नहीं थे, वी हैव जस्ट स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन. बट उसी के साथ वेदर इतना अच्छा, बारिश और साथ में जो ये क्लाउड्स हैं, दीज क्लाउड्स आर रियली ब्यूटीफुल. यू कैन सी यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्लाउड्स आपको टच करके जा रहे हैं. तो अभी तो बस क्लाउड्स थोड़े बहुत आपको दिख रहे हैं, आप जब आगे जाते हैं देखते हैं क्या है और आगे कैसा वेदर है. और दार्जिलिंग के आसपास क्लाउड्स ज़्यादा होता है वहाँ पे, सो देखते हैं वहाँ पे कैसा वेदर है. सो येस वी वर एंजॉइंग, आप भी एंजॉय करो फिर जाके और आगे मिलती हूँ आप लोगों के साथ. और हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ दार्जिलिंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ. सो दार्जिलिंग इज़ एक्चुअली यहाँ पे जब ब्रिटिश राज था, सो दार्जिलिंग यूज़ टू बी देयर समर रिसोर्ट एंड इट वाज रियली वेरी फेमस फॉर इट्स नैरो गॉज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, या फिर जो नॉर्मल लैंग्वेज में टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है. ये कम्प्लीट हुआ था 1881 में, तो उसका एक झलक तो आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट ब्लॉग उसी के बारे में होगा बिकॉज वी हैव बुक टिकट्स फॉर इट. तो सारे डिटेल्स उसके बारे में वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना पड़ेगा. तो आई होप आप लोग वो ब्लॉग भी एंजॉय करोगे बिकॉज येस टॉय ट्रेन इज़ द एसेंस ऑफ दार्जिलिंग. और ये जो लेफ्ट में आपको लाइन दिख रहा है ट्रैक, सो दैट इज़ द टॉय ट्रेन ट्रैक. ये पूरा रास्ते भर आपको ये मिलेगा एनजेपी टू दार्जिलिंग. यहाँ पे ऐसा ट्रैक कभी रास्ते के बीच से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, लाइक बट दैट एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर. एंड येस यहाँ पे मैं वेदर एंजॉय कर रही हूँ और आप देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग और ऊपर की तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स दार्जिलिंग, यहाँ पे वेदर और ज़्यादा चेंज हो रहा है और ज़्यादा क्लाउड्स भर गए. इतना क्लाउड है कि सामने सही से पूरा विजिबिलिटी भी नहीं है, बट देन दैट इज़ द एसेंस ऑफ दार्जिलिंग इन मॉनसून. तो ये मैं जो बोल रही थी, तो अगर आप टॉय ट्रेन का लाइक कैसे रैप टिकट्स बुक कर सकते हो, क्या है, कैसा डिटेल्स है, इट इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट. ऑफ साथ में दार्जिलिंग से आपको कांचनजंगा जो माउंटेन है उसका पूरा एक रेंज पूरा दिखता है, सो दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक. सो यस, इन सबसे दार्जिलिंग इज़ फेमस एंड दार्जिलिंग हैज़ अ नॉस्टैल्जिक एंड अ वेरी नाइस वाइब. तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ब्रिटिश टच है, सो यू कैन एक्चुअली फील दोज थिंग्स देयर. तो बस आप लोगों से बात करते करते मैं
पहुंच गए घूम स्टेशन विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। एंड फिर यहाँ का अलग ही वाइब है, आप देख के भी पता चल रहा होगा कि ये एक ब्रिटिश डिज़ाइन है। थ्रो इस स्टेशन के बारे में और डिटेल्स मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग जिसमें मैं टॉय ट्रेन के बारे में शेयर करूँगी उसमें आप लोगों के साथ और भी डिटेल्स अच्छे से शेयर करूँगी। और उसी के साथ 9 किलोमीटर बाद पहुंच गई दार्जिलिंग। सो दिस इज ऑन द लेफ्ट जो आप देख रहे हो दैट इज दार्जिलिंग स्टेशन, एंड राइट में ये जो देख रहे हो ये दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की कार शेड है जहाँ पे ये ट्रेन वगैरह रिपेयर होता है। यस, इसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इस ब्लॉग में टॉय ट्रेन के बारे में शेयर नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव वन फुल एपिसोड फॉर यू टू वॉच फॉर टॉय ट्रेन। उसके लिए आपको और एक दो दिन वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। सो यस, दिस इज आई लव दार्जिलिंग। सो यहाँ पे एक ऐसे कोच को यहाँ कैफे की तरह यूज़ कर रहे थे, एंड कैफे के साथ याद आया दार्जिलिंग में देर आर टू वेरी फेमस कैफेज दैट इज़ कैविंटर्स एंड ग्लेनरीज। आप यहाँ आओ और ये जगह नहीं एक्सप्लोर करो तो इट्स लाइक यू आर मिसिंग ऑन समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। तो ये राइट में आप जो देखे दैट वॉज कैविंटर्स जहाँ पे KEVS लिखा हुआ था, दैट इज़ कैविंटर्स। साथ में ही एक एवेंटर्स के ऑपोजिट में आपको एक गाड़ी का स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से आप साइट सीइंग के लिए या NJP वापस जाने के लिए आप कैब्स बुक कर सकते हो। तो इस बार हम लोग स्टे कर रहे हैं हर्मिटेज होटल में, एंड ये हम लोगों ने बुक किया था गो आईबीबो ऐप से। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट मोमेंट प्लान था, सो हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग्स किए थे, एंड द होटल इज़ नियर गवर्नर हाउस ऑफ दार्जिलिंग। तो यहाँ से आपको मैल इज अराउंड 5 to 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस है, सो इट इज़ वेरी नियर टू द मैल रोड ऑल्सो। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं राजभवन। यहाँ पे हम लोगों के होटल से स्टाफ आए हैं, वो हम लोगों के लिए लगेज कैरी करेंगे टिल द होटल। सो यस, दिस इज़ द लोकेशन। ये मेफेयर है एंड उसके ऑपोजिट में ये राजभवन, और ये जो आप रास्ता देख रहे हो यहाँ से हम लोगों को सीधा जाना है। तो चलिए अंदर जाके बात करते हैं, बहुत ज़ोर बारिश आ गया। तो अभी यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, सो वो होटल से उन्होंने हमें अम्ब्रेला प्रोवाइड किया है और साथ में लगेज भी लेके गए हैं। एक्चुअली हम लोग भी अम्ब्रेला लाए हैं बट वी रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे पहुँचते ही बारिश आएगा, सो वी हैव पैक्ड इट इन आवर सूटकेस बाय मिस्टेक, तो वी कुड नॉट टेक आउट आर अम्ब्रेलास हियर। बट देन द होटल स्टाफ वर रियली जेनरस, उन्होंने ये हम लोगों को प्रोवाइड किया। लाइक वी वर 5 ऑफ अस, सो दे हैव प्रोवाइडेड 5 अम्ब्रेलास टू अस। सो एंड प्लस अपना जो लगेज था दे टुक इट विद देम टू द होटल। सो यस, द रिव्यू ऑन द फर्स्ट व्यू इज़ रियली गुड। तो अंदर जाके देखती हूँ कैसे क्या है, और फिर आप लोगों के साथ मैं एक रूम टू शेयर करूँगी। आज शायद मैं ज़्यादा बाहर वेंचर नहीं करूँ बिकॉज आज मेरा ऑफिस भी है, और साथ में आज हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल किए, कल रात को नींद नहीं हुआ था। तो यस, वी आर अ बिट टायर्ड टुडे, और आप लोग जानते हैं कि मैं तबीयत ख़राब के बाद आ रही हूँ, तो आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस माई सेल्फ। और प्लस कल हम लोगों का टिकट है फॉर टॉय ट्रेन, सो उसको देखने के लिए आप लोगों को डेफिनेटली मेरा चैनल, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरा ब्लॉग तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करिएगा ताकि आप लोगों को वो अपडेट आ जाए जब भी मैं नया ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और रूम टूर तो मैं देने वाली हूँ इसी ब्लॉग में। बट यस, कल है हम लोगों का टिकट फॉर टॉय ट्रेन, और उसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यस, तो चलिए अभी चलते हैं होटल के अंदर, फिर आप लोगों से मैं सारा डिटेल्स आगे के शेयर करती हूँ। तो ये है हम लोगों का रूम 405-3 लेवल में, एंड डेजी कैटेगरी रूम है। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ द रूम। तो आप जैसे ही रूम में आओगे आपको पहले लेफ्ट में वॉशरूम है। वॉशरूम इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे गीज़र है, दे हैव गिवन 2 टॉवल्स, यहाँ पे बॉडी वॉश और शैम्पू है, यहाँ पे हैंड वॉश है, यहाँ पे डेंटल किट वगैरह दिया हुआ है। यस हेलो, तो यहाँ पे भी आपका एक इलेक्ट्रिक पॉइंट है। एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है, हैंड शावर है। सो दिस इज द वॉशरूम। फिर यहाँ पे आके ये है मेन रूम। सो आप रूम में आते ही आपको पहले एक बेड साइड टेबल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल, साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी, टी, शुगर, 2 ग्लास, 2 कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स, फिर यहाँ पे बिस्किट, ये सारा कुछ दिया हुआ है। बेड साइड एक इलेक्ट्रिक पॉइंट भी है, और फिर यहाँ पे आप दूसरे तरफ भी एक लाइक बेड साइड टेबल है, वहाँ पे लैंडलाइन फोन है जहाँ से आप कॉल कर सकते हो।
for any of the room services, reception, restaurant, anything. And then यहाँ पे है ये sofa and यहाँ पे एक table है, यहाँ पे एक cupboard है. Cupboard में क्या है चलिए देखते हैं. So cupboard में यहाँ पे pillow दिया हुआ है, blanket है, hangers है. So yes, this is it. This is the cupboard. यहाँ पे TV है, set top box है, एक table दिया हुआ है. You can use it for your work purpose also if you want, or for keeping your luggage. और फिर यहाँ पे है ड्रेसिंग टेबल. दिस ड्रेसिंग टेबल इज रियली नाइस. हेलो. सो यस, दिस इज दिस ड्रेसिंग टेबल. एंड देन दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम, दैट इज द व्यू. तो यहाँ पे ये पूरा जो दीवार है दैट इज कम्प्लीटली अ विंडो. तो आप ये विंडो पोर्शंस खोल सकते हो दो तरफ से, सो यू कैन हैव अ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन. एंड अभी तो मॉनसून है तो यहाँ पे कांचनजंगा व्यू नहीं है. आई डोंट नो, नेक्स्ट 3 days में वी माइट बी लकी जहाँ पे मिल जाए, बट टिल देन दिस इज वॉट इज द व्यू. और अगर व्यू रहे देन एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सामने में कांचनजंगा दिखेगा. सो लेट्स प्रे कि नेक्स्ट 3 दिन में हम लोगों को कांचनजंगा का एक झलक मिल जाए इस रूम से, वो अलग ही मजा आएगा. सो यस, दिस इज द व्यू एंड दिस इज द रूम. आई रियली लाइक द रूम, लाइक आई रियली लव्ड इट. सो यहाँ से ये रूम कितना बड़ा है. और ये जो डबल बेड है, एक्चुअली इफ दे अलाउ यहाँ पे 4 पर्सन तो आराम से फिट इन हो जाएंगे. सो द रूम इज रियली Definitely nice and it is very clean and no complaints so far. So with the stay, उनका service कैसा है, क्या है, सारा कुछ मैं बताऊंगी. चलिए तब तक के लिए हम लोग थोड़ा कॉफी वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से आगे मैं क्या कर रही हूँ, आज कहीं जा रही हूँ या नहीं, सारा डिटेल्स मैं शेयर करती हूँ. तो अभी हम लोग फ्रेश हो गए और ऊपर जा रहे थे मैल रोड की तरफ. तो यहाँ पे इसके पहले मैं सोची आप लोगों को यहाँ के रेस्टोरेंट का एक व्यू दे दूँ. ऐसे तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है, साथ में अगर आप चाहो तो आपका डिनर या लंच भी यहाँ पे सर्व कर सकते हो. तो ब्रेकफास्ट वाज रियली नाइस. तो उसके बाद हम लोग निकले एंड देन वी थॉट कि आज बहुत रात हो गया, बिकॉज फ्रेश होते होते ऑलमोस्ट 8 बज गए थे. सो वी थॉट कि हम लोग आज यहीं पे जो व्यू पॉइंट है मैल रोड के पास एंड अपने होटल से एकदम 2 steps अवे है, तो हम लोग सोचे थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाते हैं. ऐसे तो रात को कोई व्यू नहीं होगा, बट यहाँ से जब कांचनजंगा दिखता है ना, इतना सुंदर लगता है, लाइक यू कैन स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर. एक्चुअली पूरे दार्जिलिंग में सबसे अच्छा व्यू अगर आपको मेन सिटी से चाहिए देन दिस इज द स्पॉट. तो यहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, वो सारा मैं शेयर करूँगी. लेकिन वो सब देखने के लिए आप लोगों को मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लग रहा है. तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.